बाद भी थोड़ा सा और रहता है। बेस्ट गिफ्ट है मेरा अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह ताला ने बहुत प्रेशियस गिफ्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है क्योंकि मेरी नींद नहीं हुई 3-4 दिन से बिल्कुल भी, और आज मैं फाइनली जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास वापस। जोहा के साथ मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ जा रही है, तो मैं जा रही हूँ आफ्टर 8 मंथ्स 12 डेज के बाद। मैंने डेज भी काउंट किए हुए कि डेज ऊपर होगा क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम गुजर गया था, पता बिल्कुल चला, बहुत चला, लेकिन ठीक है। पैकिंग वगैरह अम्मी ने मेरी सब कर दी थी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अजान हो जाए तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। अजान तो हो गई तो मैं आप लोगों को क्या बताई थी, हाँ ये बताई थी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अब सर सिमट गया, अब जोहा को भी मैंने रेडी कर दिया, मैं खुद भी रेडी होती हूँ, तो बस फिर हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, फिर वहीं जाके कंटिन्यू करती हूँ। सो व्यूअर्स, मैं रेडी हो गई हूँ, बस हम लोग निकल रहे हैं, एंड बाय बाय माई रूम अंटिल नेक्स्ट टाइम। क्लीन हो गया सब कुछ, ये ब्लैंकेट इसका लेकर जाना है, ये इसका ट्रैवलिंग प्लो और बैकपैक। और ये जोहा के चाचू और बाबा ऑन ड्यूटी रो रही थी, तो एक उसे चला रहा है, एक उसे हंसा रहा है। भाई बस करो, अभी हम लोग ग्रोसरी करने आए थे, अभी थोड़ा सा सामान और रह गया, थोड़ा सा और रहता है। हाँ। इसके बाद भी थोड़ा सा और रहता है। सो व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ और मैंने एयरपोर्ट पे तो ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे जोहा ने बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया था, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा तंग किया था। फिर यहाँ आके हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए थे, मैंने तब भी ब्लॉग थोड़ा सा बनाया बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे साथ जोहा है तो कितना ज़्यादा तंग करती है, मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ कर ही नहीं पा रही। अभी भी हम लोग बाहर गए हुए थे, अभी आए, मैंने तब भी कुछ नहीं किया, लेकिन हल्के हल्के रूटीन में आके हर चीज़ हो जाएगी, ब्लॉगिंग वगैरह हर चीज़। इसी तरह पूरा दिन मेरा जोहा में निकल जाता है, काम वगैरह में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक तरफ काम कर रही होती हूँ, दूसरी तरफ जोहा को देख रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, एक हाथ में कभी जोहा भी होती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और मुझे अम्मी बाबा बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, ख़ासतौर पर मुझे मेरी अम्मी का याद आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह जल्दी अम्मी बाबा से मिलूँगी, इंशाल्लाह 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 यहाँ पर बुलाऊँगी मैं, तो देखते। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जोहा ही होती है, कोई काम हो या ना हो मैं सारे काम छोड़ के सब करके पहले मैं अपनी बेटी को देखती हूँ कि उसकी हर चीज़ अप टू डेट हो और टाइम पे। उस वजह से मैं कहीं इतना ज़्यादा बाहर आना जाना भी नहीं कर रही। ये लोग कहते रहते चलो, मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं अभी रुके, ये वो कर करा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, पूरी रात मैं ऐसे लेके टहल रही होती हूँ। सो क्योंकि सुबह पैदा हुई थी तो रात में जागती है, दिन में सोती है, और दिन में भी इतना ज़्यादा कोई नहीं सोती, ऑन एंड ऑफ सोती रहती,
तंग बहुत करती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके हर काम में, हर चीज़ में मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ, चिड़चिड़ी भी बहुत हो रही हूँ, लेकिन जब ये सोती है इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं सारी थकान उतर गई। अल्हम्दुलिल्लाह से बेस्ट गिफ्ट है मेरा अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह ताला ने बहुत प्रेशियस गिफ्ट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, बाय।